नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। मध्य प्रदेश सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन सरकार के दावों की पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। हनुमाना तहसील के अर्जुनपुर से, जहां आजादी के 74 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली ना पहुंच पाने का कारण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों की मनमानी है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली के पोल खड़े करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, जब जागरूक उपभोक्ताओं ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो झूठी शिकायत दर्ज कराकर भुगतान लेने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर विद्युत केबल न खींचने और शासकीय ठेका होने के बावजूद उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला हनुमाना तहसील के अर्जुनपुर गांव का है, जहां आलोक सिंह नाम के युवक से कंपनी के ठेकेदार चंचल द्विवेदी के द्वारा पैसों की मांग की गई है, जिसका ऑडियो भी स्थानीय युवक आलोक सिंह ने हमें उपलब्ध कराया है। बातचीत कब की है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन युवक के द्वारा बताया गया कि ठेकेदार चंचल द्विवेदी के द्वारा पैसों की लगातार मांग की जा रही है। जब उन्होंने इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों को किसी भी प्रकार के पैसे का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना है, जिसके चलते उसने पैसे देने से इनकार किया तो ठेकेदार काम रोक कर झूठी शिकायत दर्ज करवा दिया है। आइए सुनाते हैं ठेकेदार और युवक के बीच हुई चर्चा का ऑडियो, और उसके बाद सुनाते हैं युवक ने क्या कुछ मांग की है। चार रोज खाना पीना के प्रबंध, तो पैसा उनका बोल देगा उनका, तब तो सब्जी भाजी खाना पीना बनाई पड़ी। रोज यही तो काम है ना, हो पाए 10 बजे यही थे तो रुकी, रात के कपड़ा उपड़ा लेके आया, रुकी काम करी तो सवारी तक हो गया काम। दूसरा बात, पैसा के मुँह ने दे रही थी ऐसा कि फोन सबसे ज्यादा अपने लगाए थे, तो पैसा 5,000 मना हुई, 7-8,000 खर्च हुई तो खर्च कर दी। बात हो पाई तो अपना देखी ठाकुर ठगा रहे 5-10 हजार रुपये हमारे लगे है, तो नहीं तो हम बताए की अपना 5,000 सीखे हैं, तो 5,000 हम कहे हैं तो सुनी हम बात करें। वो वही लागी के लाए थी तो हमारे लगे फोन, तो कौन लगाए हमारे लगे, तो फोन अपने लगाए थे, फोन लगाए ना, प्रयास कर रहे हैं हम, लगाए ना, प्रयास कर रहे हैं तो खर्चो अपने करी, खर्चा कहता ना करी गुरु, हम जो जी अब अपना कुछ समझी अपना को तो हम समझे पड़ी ना, हम समझी लहा तक करवाई तो लहा, हां तो करवाए जही देवे करब हम अपने मिस्त्री के देवे करब काम करूंगा, हम इतना कर सकी थे। देखी गुरु हमारे यहाँ जाए आराम से रहा, उनका हम गल्ला पानी दे दे, अपन कई आदमी है हमारे मिस्त्री के पास गल्ला पानी सब हम व्यवस्था करे उनका, उनका रहे के व्यवस्था बना दे, वो कहीं अपन रहे उनका पानी चाहिए, कुछ पानी बूंदी सब मिली उनका, और कोई दिक्कत ही नहीं है। हम अपना के साथ कर अब खर्चा, 2,000-4,000 वाली बात नहीं है, हमारे साथ नहीं खर्च करेगा, हम ही खर्च करब नहीं तो बहुत ज्यादा खर्च करेगा, बोल ही दीने हैं गुरु, उतने क्या तैयार हो नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि हमारा बात अपना समझ नहीं, हम तो आ गई रहा बात, 2 फीट में हम न जब पोल गिरे की संभावना हुई तो अपन हम आदि न चढ़ाऊ, फिर अपना काम अटक गई, अब चाहे अटकाए दे चाहे जौन करी देखी, हम पूछ ली है सबसे, अगर हमारा खंबा हम कल खड़ा आज गड्ढा खोल रहा तो साल खंबा खड़ा हो और वो संभावना न रही तो फिर हम भाई हम आदमी थोड़ी मार डाल, आदमी हम बिल्कुल न चाह के मार डाली अपना, बिल्कुल अपना आदमी न मारी, हम कहो न कहा से अपना आदमी मार डाल, अब आलू की व्यवस्था अब वो हम न कह पा गुरु, देखी है तो हम घरे में बात कर ली है, चार चने से पूछन पाछन के मदद कराए का तैयार नहीं आई, और हम घरे में करी भाई लाए की अपने क्या सकता है, कोई काय मदद करी काहे नहीं, गाँव में बहुत सारे लोग हैं, गाँव हो तो 40 साल से लाइट लगवाई न लेते, ताकतवर इतने इलाकेदार सब रहे तो गाँव में लाइट ही नहीं गया, हम साल देखिए आ रहे हैं नहीं लाइट गए लाइट लाइट लग गए हो 40 साल पहले, हाँ बाजार से 2 किलोमीटर घर है अपना के, अगर इतने साउथ होत गांव वाले में इतने सक्षम होते, इतने चुनाव होता, इतने जिला पंचायत सदस्य होता, विधायक होता तो लगवाए न लिए होते, कटिया फसाए जंगल में रह रहे हैं। मेरा नाम आलोक सिंह है और मैं ग्राम पंचायत अर्जुनपुर हनुमाना का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो कि अक्टूबर मंथ में लगाया गया है, ये ट्रांसफार्मर में पोल गाड़ दिया गया है और ट्रांसफार्मर बैठा दिया गया है, लेकिन अभी केबल कनेक्शन नहीं किया गया है। केबल कनेक्शन न करने का मेन कारण है ठेकेदार चंचल द्विवेदी द्वारा मेरे से 8,000 रुपये की मांग की जा रही है, जो कि हमने नहीं दिया। इस मैटर में हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी
बात किया तो उन्होंने बताया कि आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विभागीय काम है, सारे पैसे उनको विभाग से मिल जाएंगे। तो हमने उन्हें पैसा नहीं दिया। तब इसके द्वारा ठेकेदार के द्वारा वो कार्य को यानी कंप्लीट नहीं किया गया, केबल कनेक्शन का कार्य रोक लिया गया है, केबल कनेक्शन अभी भी रुका है। हमने पूछा कि भाई आपको 8,000 रुपये किस काम के लिए चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 8,000 रुपये मेरे को गिट्टी खर्चा आएगा, बालू का खर्चा आएगा, प्लस सीमेंट का खर्चा आएगा और सीमेंट लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा, ये आपको वहन करना पड़ेगा। तो हमने नहीं दिया तो उन्होंने कार्य को रोक दिया। फिर इसके बाद इस मैटर में हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी बात की तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया, लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। और इसके अलावा भी ठेकेदार चंचल द्विवेदी द्वारा मेरे ऊपर और ग्रामवासियों के ऊपर यानी मुकदमा कर दिया गया, फर्जी FIR करा दिया गया कि हमने केबिल लगाया था और केबिल चोरी चली गई है। अब उनका ये FIR करने का क्या औचित्य है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो और ये जो बातें हुई हैं, जो 8,000 रुपये का लेन देन की बातें हुई हैं, प्लस FIR की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। तो अस्त्र श्रीमान जी से निवेदन है कि इस मैटर को संज्ञान में ले और मेरी मदद करने की कृपा करें, धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।